सबसे पहले आपने क्या करना है, एक जार लेना है शीशे का। शीशे के जार के अंदर बिस्मिल्लाह लिखनी है, और बिस्मिल्लाह के साथ जिसके लिए आप पढ़ाई करने लगे हैं, ठीक है, अपना नाम, अपनी वालदा का नाम, और साथ में आपने लिखना है आला खूब, जिसको आप तलब करना चाहते हैं या जिसको आप बुलाना चाहते हैं, तो उसका नाम और उसकी वालदा का नाम लिखें। दोबारा से एक दफ़ा फिर सुन लें, जैसा कि सबसे पहले आप ऊपर बिस्मिल्लाह लिखें, ठीक है, उसके बाद आपने लिखना है अपना नाम। अगर आप बिनते यानी लड़की हैं तो फिर बिनते लिखें, अगर लड़का है तो फिर बिन लिखें, उसके साथ अपनी वालदा का नाम, फिर लिखें आला हुब, उसके बाद जिसको आप तलब कर रहे हैं, ठीक है ना, उसका नाम लिखें जिसके लिए पढ़ाई की जा रही है, उसका नाम लिखें, और अगर वो बिन है, लड़का है तो बिन लिखें, लड़की है तो बिनते लिखें, और उसके बाद जो है उसका नाम लिख के उस जार के अंदर आपने पढ़ाई करनी है। जब आप जार पे पढ़ाई करें, एक सुरख रंग का धागा लें, जैसे ऊन का धागा होता है, जैसे सुरख रंग की डोरी होती है या रिबन होता है, इस तरह आपने ले लेना है। एक अतर ले लेना है, अच्छा सा अतर हो, ठीक है, और पानी ले लेना है। अब आपने क्या करना है, इन चीज़ों पे आप पढ़ाई करेंगे। 786 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ें अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ। जब आप सो पे आएँ तो जिसको आप तलब करना चाहते हैं, जिस तरह आपने उस नक्श के ऊपर लिखा है बिस्मिल्लाह के, जो आपने जार के अंदर रखा है, जब आप नक्श लिख लेंगे ना बिस्मिल्लाह का, उसके बाद उसको जार के अंदर रख देना। अब जब आप जार के अंदर रख देंगे, फिर पढ़ाई करें बिस्मिल्लाह की, और फिर अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के जब आप सो पे आते हैं ना, ज़ाहिर है 786 होगा तो 700 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ी जाएगी। तो पहले जब फर्स्ट बिस्मिल्लाह का 100 आता है, 100 पे आके आपने जो है अपना नाम, अपनी वालदा का नाम अला खुब, उसका और उसकी वालदा का नाम लेना है जिसको आप तलब कर रहे हैं, जिसके लिए मोहब्बत बढ़ाना चाहते हैं। उसके बाद आपने हर मतलब के 100 के बाद इसी तरह नाम लेके और उस जार के अंदर फूंक मार दें, अतर जो है उसके ऊपर फूंक मार दें, जो रिबन डोरी या फिर आपने धागा लिया उस पर फूंक मार दें, ठीक है, फूंक मार के तो पास रख लें। इसी तरह जब आपके 786 मरतबा पूरे हो जाए, अतर पे दम हो जाए, डोरी पे दम हो जाए, और शीशे के उस जार पे दम हो जाए जिसमें नक्श रखा है, ऊपर से उसको अच्छे से जो है बंद कर दें। जब आप उसको अच्छे से बंद करेंगे तो ऊपर उसको सील भी कर दें, मतलब कि उसके ऊपर भी दम कर दें, ठीक है। अब इसी तरह आपने 7 दिन करना है। 7 दिन के बाद आपने थोड़ा सा अतर जो है आपने उस जो जार के अंदर नक्श है उस पर डाल देना है, थोड़ा सा नक्श अपने जिस्म पे लगाने और कपड़ों पे भी लगाने अच्छे तरीके से, और डोरी का एक दरख्त के मतलब के फलदार दरख्त हो उसके ऊपर डोरी को बांध दें। जैसे जैसे डोरी हिलती जाएगी हवा में, उतना ही आपसे मोहब्बत बढ़ेगी, और अगर कोई भी आपसे दूर हो वो नज़दीक हो जाएगा, ठीक है। अब आपने जो आपने डोरी भी आपने कर ली और अतर भी कर लिया, अब जार की बारी है। 7 दिन तक आपने ये पढ़ाई करके जार के ऊपर भी फूंक मार के सील कर देना। अब जार को आप किसी पाक जगह पे दफना भी सकते हैं, जो ठंडी जगह पे या धूप वाली जगह पे भी आप कर सकते हैं, यह आप पे मुनहसर है, और आप अपने पास भी रख सकते हैं, ठीक है, पानी में भी बहा सकते हैं, लेकिन नहीं, पूरी कोशिश करें जब तक आपका आपसी मोहब्बत ना बढ़ जाए, और एक मतलब कि एक लाजवाब या जवाब जैसे एक होता है ना, बहुत तेज़ी से आपकी तरह मोहब्बत होती है, जब तक वो बुलंद ना हो जाए तो कभी भी जो जार है उसको ज़ाया ना करें, ठीक है। और जब तक उस जार के अंदर नाम रहेगा तब तक कोई भी आपको जुदा नहीं कर सकता,
बहुत प्यारा ये अमल है, ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई बात समझ ना आए तो दोबारा पूछें, कोई मसला नहीं, एक दफ़ा नहीं 1,000 मरतबा पूछें तब भी बताया जाएगा। जज़ाकअल्लाह खैर।